नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। और दोस्तों, ये पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप बिना पैर उठाए इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये आपका मैथ का पार्ट नंबर 146 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए प्लस बी बराबर 6 तथा ए बी बराबर 5, तो ए बाई बी बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न आए तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई समीकरण उमीकरण नहीं बनाना है, आप बस ये देखेंगे ए प्लस बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, 6 दिया है, और ए बी बराबर दोस्तों क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये करेंगे, ए और बी की जगह पे दोस्तों दो मान मान लेंगे, दो अंक मान लेंगे। ए की जगह जैसे मान सकते हैं 1 और बी की जगह मान सकते हैं 5। 1 और 5 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। और देखिए, ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, और जोड़ने पे 6 हो रहा है। और ए बी बराबर क्या दिया है, ए की जगह हम 1 माने हैं, बी की जगह क्या माने हैं दोस्तों, 5 माने हैं। तो ए गुने बी, यानी कहने का मतलब है 1 गुने 5 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। देखिए 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है ए बाई बी के, तो ए की जगह 1 माने हैं, बी की जगह 5, तो ये आंसर क्या रहा है, 1/5। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए किसी ऑप्शन में 1/5 दिया है या पॉइंट में मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप इस मान को क्या करेंगे, पलट लेंगे। पलट लेने का मतलब है दोस्तों, ए की जगह मान लेंगे दोस्तों 5, और बी की जगह मान लेंगे दोस्तों क्या, 1। तब भी क्या होगा दोस्तों, 5+1 6 ही होगा। ए की जगह यहां पे भी 5 मानेंगे, बी की जगह 1, तो 5 × 1 करेंगे तो 5 ही होगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहां ए बाई बी की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 5 और बी की जगह 1, 5/1। 5/1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 5 ही होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। देखिए 5 किसी ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए करना क्या है दोस्तों, आप ऐसे मान मानेंगे जिसको जोड़ने पे, दो ऐसे मान मान लीजिए जिसको जोड़ने पे 6 है और गुणा करने पे 5 है, तो 1 और 5 ही वो संख्या होगी। तो आप मान लीजिए दोस्तों क्या, ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 1, तो आंसर आपका हो गया 5/1। तो 1 से 5 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया, सही हो गया। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से कोई भी संख्या मानिएगा, दो ऐसी संख्या जैसे जैसे यहां पे माने, आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में कई बार दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, और सीडीएस टीयर 2017 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बताऊंगा, एक लाइन में सॉल्व होगा, प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है, जिनमें से देखिएगा जिनमें से 5% सड़े हुए हैं, वह शेष आमों के 75% बेच देता है। जितना आम है दोस्तों, देखिएगा 5% सड़े हुए हैं, बचा 95 का दोस्तों ये 75% बेच देता है, और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने आम थे, 100% आम थे, 100% की ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आप समझिएगा दोस्तों, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में क्या है दोस्तों, आम है, 5% सड़े मान लेंगे दोस्तों, यहाँ समझिएगा, ये 100
100% इसके पास आम है। क्या है 5% दोस्तों यहाँ पे सड़े हुए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, वह शेष आमों के 75% बेच देता है। यहाँ पे इसके पास शेष बचा कितना दोस्तों, 95% बचा। और इस जो 95% दोस्तों बच रहा है, इसका 75% बेच दिया तो 95 का बचा इसके पास कितना दोस्तों, 25% ही ना बचेगा। बताइएगा 95% में क्या कर रहे हैं दोस्तों, 95% का ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, 75% बेच दिया तो बचा कितना इसके पास, 95 का 25% बचा। यानी देखिए और कितना है दोस्तों बचा है, 95 आम बचा है जो बच रहा है। यानी कि 95 का दोस्तों हम कह सकते हैं, देखिएगा ये 95 का दोस्तों 25% कितना दोस्तों, 95 का दोस्तों 25% किसके बराबर है दोस्तों, यहां देखिएगा 95 जो माने ना दोस्तों, इसका 25% कितने आम के बराबर है दोस्तों, 95 आम के बराबर है। तो पूछ कह रहा है 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 95 यहां पे देखिएगा गुने में है इधर 25/100, 95 × 25/100 ध्यान दीजिएगा, 95 × 25/100 है उधर जाएगा तो पलट जाएगा। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ये बटा में 100 है तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या होगा दोस्तों 95 × 25 हो जाएगा, क्या होगा 25 हो जाएगा, और गुने में क्या होगा दोस्तों 100, क्योंकि हम 100% की वैल्यू ला रहे हैं। तो देखिए 95 से 95 कट गया, ये 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौको 100, और ये 100 × 4, 100 × 4 का मतलब दोस्तों क्या होता है 400। तो 100% का मान क्या होगा 400, आरंभ में उसके पास कितने आम थे 400 आम थे, ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 400, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों 100 आम है इसके पास, ठीक है, कितने हैं दोस्तों यहां पे लिख दे रहे हैं 100 आम है, इसमें से 5% सड़े हो गए, बचे कितने 95% बच गए, यानी 95 बच गया। कह रहा है दोस्तों पांच यहाँ पे 75% बेच देता है तो कितना बचा दोस्तों 95 का 25% बचा, और ये 95 का दोस्तों 25% यानी 25/100 किसके बराबर है दोस्तों, बचे आम यानी 95 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% बराबर दोस्तों जब ये इधर है दोस्तों गुने में है, उधर जाएगा भागे में हो जाएगा, यानी संख्याओं को पलट लेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 400, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे 400, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है आरआरसी कोलकाता 2014 रेलवे में, दोस्तों ये कई बार रिपीट हो चुका है, एक ही बार नहीं पूछा जा चुका है, एसएससी में भी ये रिपीट हुआ है प्रश्न। देखिए जो मैं प्रश्न यहाँ पे कराता हूँ सारे रिपीटेड प्रश्न कराता हूँ, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखा करिए, सिंपल तरीका है इसको तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे, कैसे दिया जाता है बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों एक आदमी बगीचे में 5184 पेड़, देखिएगा 5184 संतरे के पेड़ ऐसे बोता है कि एक पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ है उतनी ही पंक्तियां है, बगीचे में कितनी पंक्तियां है ये कह रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंक्ति में, यहां कह रहा है दोस्तों एक पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ है उतनी ही पंक्तियां है, तो यहां पे मान लेंगे दोस्तों इसको जन, देखिएगा कुछ नहीं मानना नहीं है, देखिए आपको आसान तरीका बता रहा हूं, इसको हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। मान लेंगे दोस्तों यहां पे 70 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने पेड़ है 70 पेड़ है, ऑप्शन नंबर पहला, तो 70 × 70 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4900 होगा, क्या होगा 4900, लेकिन यहां पे क्या है 5184 है, पहला ऑप्शन तो नहीं आ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे दोस्तों 72 पंक्ति है और एक पंक्ति में कितने हैं 72 पेड़ है, तो 72 गुने क्या होगा दोस्तों 72, 72 गुने 72 कितना होगा दोस्तों, गुना करने पे ये हो जाएगा 5184 हो जाएगा, क्या होगा 5184, और यहां पे देखिए 5184 दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। देखिए अब आप सोच रहे होंगे क्या सर हमें आपको 72 का स्क्वायर पता था, तो नहीं सर, देखिए यहां पे मुझे 72 का स्क्वायर पता नहीं है, मैं कैसे बताया कि 72 का स्क्वायर दोस्तों 5184 होगा, तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, तो आसान ट्रिक है बता रहा हूं।
देखिए 72 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे स्क्वायर करेंगे, ये दो कहे ना, 72 × 72 ही होता है ना, गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4, इकाई अंक पे क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। और यहाँ पे 5184 में इकाई अंक पे क्या है दोस्तों, 4 है। अब यहाँ पे और भी संख्या है, ये 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 5 आएगा। ये 81 है, इकाई अंक पे क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में दोस्तों इकाई अंक पे 4 नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। यानी आप 72 का स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं, 5184 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेपर में आपको गुना नहीं करना है, बस इकाई अंक देखना है जिसमें होगा। अगर जो एक से ज्यादा में है तब हम तो गुना करेंगे, लेकिन एक ही में है तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस ट्रिक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इकाई अंक पे 4 होगा, इसी में इकाई अंक पे 4 है। और किसी ऑप्शन में दोस्तों देखेंगे स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे 4 नहीं आ रहा है, तो इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का ये पूछा गया प्रश्न है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहे यदि m बराबर -4 n बराबर -2 हो तो mq − 3m² + 3m + 3n² + nq का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आते हैं, दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों, ये जो होता है ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, और कभी कभी क्या होता है किसी फॉर्मूले पर नहीं होता है। जब ये किसी फॉर्मूले पर नहीं होता है तब तो हम मान रखेंगे, और जब ये फॉर्मूला पर होता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला रख के आंसर ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोई फॉर्मूला भी बन नहीं रहा है, देखिएगा बन भी जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं बनता है। तो जब दिमाग काम ना करे, फॉर्मूला जब ना बने, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मान रखेंगे, सेकंडों में आंसर आएगा। आप समझिएगा, देखिएगा m की जगह पे क्या है दोस्तों, -4 है, तो यहां पे क्या करेंगे m की जगह पे -4 करेंगे, -4³, 4 × 16 = 64, 3 बार है तो क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 64 हो जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों -3m² है, तो 3m² m की जगह -4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस में आगे माइनस है तो 48 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -48 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 होगा, 16 × 3 करेंगे, आगे माइनस है तो 16 × 3 = 48, -48 हो गया। फिर यहां पे क्या है दोस्तों, 3m है प्लस में, तो m की जगह माइनस है, माइनस क्या रखेंगे, m की जगह -4 × 3, तो 4 × 3 = 12, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 होगा। समझ रहे हैं, चलिए फिर यहाँ 3n है, n की जगह पे क्या है दोस्तों, n की जगह -2 है, तो 2 × 3 = 6, -6 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, यहाँ पे +3n² है, तो n की जगह पे क्या है दोस्तों, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 + 4 होगा, और 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा, यानी प्लस का यहाँ पे 12 होगा। समझ में आया, चलिए फिर आगे क्या है दोस्तों, n³ है, n की जगह पे दोस्तों क्या है दोस्तों, -2 है, तो -2 का क्यूब करेंगे, 2 × 2 = 4 × 8 क्यूब है, यानी 3 है, तो माइनस हो जाएगा, क्या है दोस्तों यहां पे, माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -64 − 48 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 112 होगा माइनस का, यहाँ पे -12 124 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, और ये माइनस है 138 हो जाएगा, यानी टोटल ये माइनस क्या हो रहा है दोस्तों, 138 हो रहा है, और प्लस का क्या है दोस्तों, सिर्फ 12 है, प्लस 12 है, तो आप क्या करेंगे 138 में से 12 को घटा लेंगे, ये जोड़ेंगे तो माइनस में से क्या होगा, ये घट जाएगा ना, तो 12 जब इसमें से घटाएंगे तो इधर 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 126 होगा, ये माइनस का हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, -126
होगा। देखिए माइनस 126 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको माइनस का जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ रहे कटाना, तो आप बेसिक वाले चैनल से जरूर जुड़िए। बेसिक वाले चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर के नाम से दोस्तों चैनल, उस चैनल पर जाइए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो आपको दोस्तों वहां बहुत फायदा मिलेगा, कमजोर छात्रों के लिए उस चैनल पे मैं विशेष रूप से पढ़ाता हूं, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है या आज का प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता है वो मैथ का पार्ट नंबर 145 देख लेंगे। पार्ट नंबर 145 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर 145 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 145 आपको मिले कहां दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दूं, आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 145 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।